में लंपी त्वचा रोग। अब जो लंपी त्वचा रोग है ये क्या है, किस तरह से इसका यहाँ पर लगातार ये डिजीज लगातार बढ़ती जा रही है और क्यों ये इतनी ज्यादा घातक होती जा रही है। एक टाइम पर ऐसा था जब कोरोना वायरस आया था तो उसने पूरी दुनिया पर अपना एक तरह से आधिपत्य कर लिया था और लगातार इंसानों की मौतें वहां पर हो रही थी। तो आज ऐसा ही दूसरा वायरस आया है, लंपी वायरस। और ये जो लंपी वायरस है ये ज्यादातर गायों को प्रभावित कर रहा है और लगातार गायों की यहाँ पर लगातार मृत्यु हो जा रही है। किसान भाई आज बहुत ज्यादा परेशान हैं, हताश है और लगातार गायों की मौतें देख रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आज बहुत ही ज्यादा एक महामारी के रूप में ये रोग फैल रहा है और भारत ही नहीं, आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, दूसरे देश भी हैं, वो भी इस रोग की चपेट में आए हुए हैं। तो इस रोग को किस तरह से हम बचें, क्योंकि इसकी अभी तक भी कोई भी एंटीबायोटिक दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन सभी किसान भाइयों से मैं एक बात कहूंगा, अगर आप कुछ तरीके अपनाएं, कुछ ऐसी चीजें करें तो आप इस रोग से बच सकते हैं, यानी उन अपनी गायों को, अपने मवेशियों को इन रोगों से बचा सकते हैं। कोई सा भी वायरस दुनिया का हो, उसकी काट हमारे पास अवेलेबल होती है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती है। तो आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आ रही हूँ कि हमारी जो गायें हैं उनको आप किस प्रकार से बचा सकते हैं और किस प्रकार से इस रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिम्फी रोग क्या होता है और इसी के बारे में मैं आज डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाओ कि गायों में जो लिम्फी रोग होता है, ये इसका रोग कारक जो है वो है कार्पी पॉक्स वायरस नाम से। ये एक प्रकार का वायरस है और ये वायरस जनित रोग है। और ये कार्पी पॉक्स जो है ये वही पॉक्स वायरस है जो ज्यादातर गांठे उत्पन्न करता है। पॉक्स वायरस की विशेषता होती है कि ये क्या करता है, आपके शरीर के ऊपर क्या करता है, छोटे छोटे नोड्यूल्स बना देता है, गांठे बना देता है, यानी आपके शरीर को बीच बीच में छोटी छोटी गांठे बना देता है। यानी इंसानों में भी क्या होता है, पॉक्स रोग होता है, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं। तो ये जो पॉक्स फैमिली का जो वायरस है ये आज गायों के अंदर बहुत ज्यादा घातक रूप में लगातार फैल रहा है और ये इसका नाम है कार्पी पॉक्स वायरस। ये सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था, ये सबसे पहले अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया था और आज के समय की पुरानी बीमारी है, आज नई नहीं है, लेकिन आज घातक इसलिए होती जा रही है क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, इसको लगातार आगे से आगे लगातार होस्ट मिलते जा रहे हैं इस वायरस को, इस कारण से और ज्यादा घातक हो रही है और अभी तक भी इसकी कोई पर्याप्त मात्रा में एंटीडोट नहीं है। ये जो होता है ये ऑर्थोपोड ब्रॉन पॉक्स वायरस से ही रिलेटेड है, यानी इसी वायरस से ये संबंधित है। यानी ये जो बॉर्न पॉक्स जो वायरस है, ये वायरस ज्यादातर जो बकरियां होती है, भेड़े होती है, इन्हीं में ये वायरस ज्यादा देखने को मिले हैं। यानी ये वायरस बकरियों और भेड़ों में भी उनके वायरस से संबंधित ये वायरस है। यानी बकरी के अंदर भी इस प्रकार की डिजीज होती है, भेड़ के अंदर भी इस प्रकार की डिजीज होती है, तो उन्हीं से संबंधित ये जो कार्पी पॉक्स वायरस है ये इन्हीं से संबंधित वायरस है। और सबसे पहले इसका जो रोग मिला था वह अफ्रीका के अंदर मिला था और अफ्रीका से ये धीरे धीरे होता हुआ आज इंडिया तक भी आ चुका है भारत में। अब ये रोग फैल क्यों रहा है, सबसे ज्यादा घातक हो है तो सही लेकिन फैल क्यों रहा है। फैलने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये है कि आज हमारी जो गायें हैं उनकी हमने कोई पर्याप्त सुख सुविधाएं उनके अवेलेबल नहीं करा रखी। जैसे मान के चलो कि गाय क्या होती है, झुंड में रहना पसंद करती है, जो कैटल होती है वो पास पास में रहना पसंद करती है, झुंडों में रहना पसंद करती है, यानी बहुत सारी कैटल्स एक साथ झुंड बनाकर रहती है और ये झुंड बनाकर रहने की वजह से, बहुत सारी साथ में सरवाइव करने की वजह से ये एक दूसरे से, क्योंकि ये एक तरह की क्या है, स्किन डिजीज है,
ठीक है। और स्किन डिजीज है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ये संपर्क में आ जाती है। वह सेम टू सेम वर्क वही पोजिशन है कि कोरोना वायरस में जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान संपर्क में आता था तो उससे वह वायरस लगातार दूसरे इंसान के पास पहुंच जाता था। तो वैसे ही क्या होता है कि जो गायें होती है वो आपस में जब एक दूसरे के पास आती है तो वहां पर ये वायरस एक्सचेंज हो जाता है, एक गांव से दूसरी गांव में चला जाता है, यानी एक गाय से दूसरी गाय में स्थानांतरित हो जाता है। ये ज्यादातर देखा गया ये है कि ये उन्हीं स्थानों पर ज्यादा मात्रा में फैल रहा है जहां पर पर्याप्त मात्रा में उन गायों की झुंड में रहती थी या फिर वहां पर कोई उनकी देखरेख अच्छी प्रॉपर नहीं है, और देखरेख अच्छी प्रॉपर नहीं होने के कारण लगातार ये मवेशियों को इफेक्ट कर रही है। दूसरी बात अपन यहाँ पर ये कर लेते हैं कि भैया इनके बचाव के उपाय क्या है, क्योंकि आज वायरस फैल तो रहा है लेकिन इसका साइंस में क्या बचाव है, यानी साइंस क्या कहता है इसके लिए। तो मैं इसके बचाव के कुछ आपको बेसिक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, उनको आप ध्यान से सभी किसान भाई सुन लें क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और ये मैं आपसे फिर फैक्ट कह रहा हूँ कि अभी तक भी इसकी कोई एंटीडोट नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो भैया बचाव ही उपाय है, क्योंकि इन बचावों को इन तरीकों को अगर आप सीख लें तो आप अपने मवेशियों को बचा सकते हैं। क्योंकि सबसे बढ़िया चीज है कि वायरस को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ही ये है कि कुछ बचाव जो उपाय है वो पहले से ही कर लिए जाए, यानी आपका मवेशी अगर बीमार नहीं हुआ है तो अभी से अगर आप उन उपायों को करना प्रारंभ कर दें तो ऑटोमेटिक आपके मवेशी बीमार नहीं पड़ेंगे और इस वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। क्या क्या उपाय करने हैं आपको, तो सबसे पहले बात ये करनी है कि भैया जो गाय होती है तो गाय के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग, यानी जो इंसानों ने जो फॉलो की थी वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए, वह की वही यहाँ पर गाइडलाइन चलेगी, यानी गायों को भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि भैया वायरस का जो प्रकोप है उससे अगर बचना है आपको तो उन सभी संक्रमित गायों को आपको एक ऐसे स्थान पर बांधना पड़ेगा, ऐसे स्थान पर बांध के रखना पड़ेगा जहां पर उसके संपर्क में सामान्य गाय नहीं आती हो, यानी आपको बिल्कुल अलग थलग उन गायों को रखना पड़ेगा जो संक्रमित हो चुकी है, यानी जो गायें संक्रमित हो चुकी है उनको आपको बिल्कुल ही अलग थलग स्थान पर रखना पड़ेगा और उसके संपर्क में दूसरी सामान्य गायें नहीं आनी चाहिए। पहला तो आपको ये करना है। दूसरा आपको ये करना है कि जो लगातार जो गायें संक्रमित हो रही है उनको जब आप अलग स्थान पर बांधो तो ये जो गायें होती है इनकी देखरेख आप जब करो तो उस समय आप एक तो अपने हाथों में दस्ताने पहनो, फुल बाजू की शर्ट पहनो, दस्ताने वगैरह पहन के रखो, और दूसरी बात ये कि मास्क वगैरह का भी यूज करो, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है। क्योंकि क्या होता है कि एनिमल जो वायरस होते हैं ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाते हैं, ये इनकी एक तरह से इनकी नेचर कह लो या एक तरह से इनका बिहेवियर कह लो, ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी कारण से कोशिश ये करो कि भैया ये वायरस गायों तक ही सीमित रहे। तो सबसे बढ़िया है कि भैया इन चीजों का, दस्तानों का, मास्क का यूज करना ना भूले। तो भैया दस्ताने और मास्क, ठीक है, मास्क का यूज आप जरूर करें, दस्तानों या और मास्क, हाथों में दस्ताने पहन लें। तीसरा जो है कि अगर आपकी गाय संक्रमित है तो गाय संक्रमित होने की वजह से आप क्या है कि अब क्या होगा कि ज्यादातर उसकी सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उसके शरीर पर जो नोड्यूल्स बने हैं, जो गांठें बनी हैं, वह गांठें एक सप्ताह से डेढ़ दो सप्ताह में वह गांठें क्या है बड़े से फफोले में बदलकर वह गांठें फट जाएगी, और जब वो गांठें फट जाएगी तो उनमें से एक लिक्विड बाहर निकलता है और उसी लिक्विड पोर्शन में लगातार करोड़ों बैक्टीरिया, करोड़ों वायरस होंगे। ये वायरस इसी, ठीक है, इसी रक्त में होंगे, यानी ये फफोले जब फूट जाते हैं तो इनमें ये जो वायरस है ये बाहर के साइड आ जाते हैं,
आने की वजह से क्या होगा कि इन घावों के ऊपर जैसे कोई मक्खी वगैरह बैठेगी, मक्खी मच्छर कुछ भी जो इंसेक्ट होते हैं, जब इनके ऊपर मक्खियां बैठती है तो मक्खियां यहां से क्या लेती है, लार। मक्खियां की जो लार होती है, मक्खी मच्छर की जो लार होती है, ये मक्खी मच्छर क्या करते हैं, इस लार को लेकर यहां से उड़ जाते हैं। और उड़कर ये क्या करेंगे कि किसी सामान्य गाय पर, जैसे कोई गाय है वो सामान्य अवस्था में है, तो वहां जाकर ये उसको संक्रमित कर देंगे। यानी किसी सामान्य गाय को जाकर ये क्या कर देंगे, संक्रमित करेंगे। इनका विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर कोई संक्रमित गाय आपके आसपास है, आपके गांव के आसपास है, आपकी सिटी के आसपास है, तो उस संक्रमित गाय को उस गांव या सिटी से बहुत दूर ले जाएं, क्योंकि वहां पर अगर उसके फफोले फूट गए और उनमें से लार या थोड़ा सा ब्लड दिखने लग गया, तो उनमें से जो मक्खी मच्छर वहां पर बैठेंगे, मक्खियां जनरली मक्खियां, वो जब वो घावों पर बैठेगी तो वहां वो क्या करती है, अपने अंडे देती है जनरली, लेकिन वहां से जो लार लेकर वो आती है, वो लार लेकर उसके पैरों के थ्रू, उसकी लार के थ्रू वो उड़कर हमारे खाने तक आएगी या फिर दूसरी गायों के तक जाएगी, दूसरी गायों पर बैठेगी, तो वह सामान्य गायों को प्रभावित कर रही है। तो लगातार इनको आप हटाएं। विशेष एक बात और कहूंगा कि भैया मक्खी और मच्छर को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये, चाहे वह सामान्य गाय हो चाहे वो इन्फेक्टेड गाय हो, जहां पर आप गायों को बांधते हैं उस जगह पर आपको एक काम करना है कि वहां पर नीम की जो पत्तियां हैं उनको जलाकर धुआं करें शाम को टाइम और सवेरे टाइम, ताकि मक्खी और मच्छर उस जगह से दूर रहे, तभी आप उस वायरस के प्रकोप से निजात पा सकते हैं, नियंत्रण उसका कर सकते हैं, क्योंकि जो मक्खियां और मच्छर है इनसे थोड़ा सा दूर रखें। और हमेशा गायों को अकेली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब गायों को झुंड में ना बांधकर अकेले बांधे, और थोड़ा सा उनकी खान पीन का विशेष ध्यान रखें, उनको टाइम टू टाइम नहलाते धोलाते रहें, और थोड़ा सा नहलाते टाइम ये ध्यान रखें हल्का सा गुनगुना पानी से आप उनको नहलाएं, ताकि उनके ऊपर जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो वहां पर हट जाएंगे। विशेष उनको टाइम टू टाइम खाना वगैरह आप देते रहें, भूखा ना रखें, क्योंकि सेम टू सेम जैसा हम भूखे रहते हैं तो वायरल अटैक हम पर ज्यादा होते हैं, वैसे के वैसे भी जो कैटल होती है उनके ऊपर भी वायरल अटैक तभी ज्यादा होते हैं जब वो भूखी रखी जाती है उनको, या फिर उनका टाइम टू टाइम ख्याल किसान भाई नहीं रखते हैं। तो अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार के सदस्यों की तरह कैटल्स का ध्यान रखें, उनको इन बीमारियों से बचाएं। इसी के लिए मैं आगे भी इससे संबंधित वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक लिए।